पंचशील नगर स्थित सरदार पटेल स्कूल के अंदर स्टोर रूम में एक जली हुई लाश की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। कहा जा रहा है कि पहले जंजीर से बांधकर युवक की हत्या की गई होगी, उसके बाद युवक की पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया गया होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह वही युवक हो सकता है जो पंचशील नगर से करीब 4 दिन से लापता है। युवक के परिजनों को मौके पर बुलाया गया है, हालांकि परिजन को अभी लाश नहीं दिखाई गई है। राजधानी के पंचशील नगर में सरदार पटेल स्कूल के अंदर एक जली हुई लाश मिली है। संभावना जताई जा रही है कि युवक की हत्या के बाद शव को स्कूल के अंदर लाकर स्टोर रूम में जला दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी और मंत्री पीसी शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि लाश पूरी तरह से जली हालत में मिली है। लाश युवक की है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि देखकर शिनाख्त की जा सके। डीएनए रिपोर्ट के बाद ही लाश की शिनाख्त हो पाएगी। उन्होंने कहा कि लाश के पास से एक जंजीर भी मिली है। जंजीर लाश के गले में फंसी हुई मिली थी। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं। जो बॉडी है मतलब 100% चार्ड है, तो ये जो डॉक्टर का ओपिनियन है कि 24 से 48 घंटे के बीच का भी हो सकता है। कितने साल बताया जा रहा, 4 दिन पहले एक लड़का यहाँ से गायब हुआ था। अब वो डिटेल्स जो है अभी जैसे पीएम हो जाता है डीएनए रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे उनकी टीथ वगैरह देख करके तब पता चल। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि युवक की उम्र 24 से 25 साल है। आरोपी स्कूल की बाउंड्री फांद कर अंदर गए हैं, लेकिन कितने आरोपी हैं अभी नहीं कहा जा सकता। युवक की हत्या के बाद लाश को जलाया गया है। शर्मा ने कहा कि शाम तक पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। पुलिस ने पंचशील नगर से करीब 4 दिन से लापता युवक अनिल के परिजनों को मौके पर बुलाया है। हालांकि परिजन को अभी लाश नहीं दिखाई गई है। बहुत क्लियर नहीं है, अभी केवल एक संदेह है। जो एक्सपर्ट हैं, लीगो एक्सपर्ट फॉर उनको बुलाया गया है, अशोक शर्मा जी, और डीएनए टेस्ट होने के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्ट क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ 75% पुलिस वहाँ तक पहुँच गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।